नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी की खास पेशकश विधानसभा की पड़ताल। और आज विधानसभा की पड़ताल जेपी नड्डा के घर से। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इस समय मौजूद हैं बिलासपुर सदर की विधानसभा में और बिलासपुर बाजार के बीचों बीच। आप ये चौक देखें, ये चौक सबसे व्यस्ततम चौक है जहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो सबसे ज्यादा रहता है और इसी तरह से भीड़ भाड़ जो है वो यहाँ पर रहती है। अब से कुछ ही देर में यहाँ पर जो है, क्योंकि हर 5 मिनट के बाद यहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या भी रहती है, चारों ओर अगर नजर दौड़ा के देखें तो यहाँ पर पूरी तरह से बाजार खुले रहते हैं। लोगों का जो सामान खरीदने का सिलसिला है वो यहीं से रहता है। इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह जो है वो यहाँ पर बिकते हैं। बस स्टैंड जो है वो यहाँ पर पास में है और बस स्टैंड के अंदर हम लोगों की राय जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि जेपी नड्डा इसी विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रहे हैं, 2 बार लगातार और 1 बार 2007 में। आइए जानते हैं बिलासपुर विधानसभा में क्या है, सदर में लोगों की अब क्या राय है, विधानसभा में किन मुद्दों को लेकर जो है वो जनता यहां पर जाने वाली है, क्या समस्याएं हल हुई, क्योंकि मौजूदा विधायक सुभाष ठाकुर भाजपा से ही है। आइए आपको लिए चलते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप मैडम, क्या हाल है आपका, कैसे आप? कहाँ से आप? यहीं से, बिलासपुर से। अच्छा, तो यहाँ पे क्या, कैसा है आजकल माहौल, कैसा है? चुनाव शुरू हुआ, कुछ काम है आपको? चुनाव का माहौल अभी पता नहीं, हमें नहीं पता। प्रॉब्लम्स क्या रहती हैं लोग? आप एक गृहिणी हैं, सबसे पहले तो महंगाई होगी, महंगाई सबसे बड़ी दिक्कत है। गैस की प्रॉब्लम है, सिलेंडर महंगा है। हाँ जी। अच्छा, बाजार से सामान खरीदने में भी तो पैसे ज्यादा लगते हैं। हाँ जी, महंगाई हो गई है कोरोना के बाद। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। इस तरफ चलते हैं, जरा इस तरफ बात करने की कोशिश करते हैं, क्या चीजें हैं यहाँ पर। बहुत से लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हाँ भाई साहब, क्या हाल है आप? बढ़िया भाई जी, क्या माहौल है यहाँ पे? बहुत अच्छा है। बारिश कैसी हो रही है? बारिश तो कल से 3-4 दिन से कल तक बहुत ज्यादा बारिश हुई, बहुत बारिश। आज थोड़ा मौसम थोड़ा, अब आगे के लिए तो पता नहीं है कि मौसम कैसा रहेगा कि कैसा नहीं रहेगा। यहाँ के विधायक कैसे? विधायक भी अच्छे हैं, काम करते हैं। काम करने के लिए क्या, सबको ठीक है, चलो पेंडिंग पड़ा हुआ वो भी पूरा करेंगे। अच्छा, अब यहाँ के लोगों की समस्याएं क्या है, क्या क्या परेशानी है? परेशानी तो ऐसी, अब परेशानी तो हर हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। कईयों की रोड की प्रॉब्लम, कईयों की हॉस्पिटल की प्रॉब्लम, कईयों को कई किस्म की दिक्कत आती है। अब वो तो समस्या तो जो यहाँ के विधायक है वही करेंगे ना पूरा। अच्छा, हिमाचल में इस बार सरकार क्या करने जा रहे हैं? सरकार का तो हिमाचल में ऐसा है ना, देखो अब हिमाचल का आम पार्टी भी है, अब बहुत पार्टियां हो गई, अब इसमें बीच में कांग्रेसी भी हैं, बीजेपी भी हैं, 3-4 कई निर्दलीय खड़े हो रहे हैं आपस में। अब ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड है, जो जनता चाहेगी वही होगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, कुछ है एक्टिविटी यहाँ पे बिलासपुर में? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कुछ नहीं आम आम पार्टी का। बस दो ही पार्टियाँ यहाँ पे, कांग्रेस और बीजेपी, टक्करी नहीं होगी आपस में। नड्डा जी आते हैं बीच में? नहीं, नड्डा जी आते हैं, नड्डा जी अच्छे हैं हमारे, हम तो वो तो कैबिनेट मंत्री है हमारे, सेंटर में बैठे हुए हैं वो तो, बिलासपुर में उनका बहुत ज़्यादा योगदान है यहाँ पर। भाई साहब, क्या नाम है? राजेश। कहाँ से हैं आप? मैं कंदरौर से हूँ। अच्छा, क्या है लोगों की प्रॉब्लम्स, क्या है पर प्रॉब्लम, मतलब कैसी प्रॉब्लम? कुछ भी, पानी की, बिजली की, महंगाई है? महंगाई तो है, ये तो पता ही आपको, महंगाई। मान लेने जाते हैं तो अब तो महंगाई। हाँ, महंगाई होता है, महंगाई। पर क्या चुनावों में दिखेगा इसका असर? हाँ, चुनाव में दिखेगा, अब तो कट ही है समझो, बीजेपी तो बाहर ही है। हाँ, कोई फायदा नहीं है, देखिए महंगाई है, बेरोजगारी है, सब कुछ है, क्या कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं किया इन्होंने, कुछ यहाँ का बताया कुछ भी नहीं किया, 0% है, कोई 1% काम नहीं किया। हाँ जी। अच्छा, यूथ जो है जब पढ़ लिख जाता है तो क्या नौकरियाँ हैं? नौकरी भी कोई नहीं, कोई नौकरी नहीं है, किसी को कोई नौकरी नहीं दी, कुछ भी नहीं किया इन्होंने, नथिंग, 0 है, निकम्मी सरकार है, कोई कुछ नहीं किया इन्होंने। अच्छा, गाँव का जो आदमी है वो क्या सोच रहा है आज, गाँव के जो लोग हैं, क्योंकि ज्यादातर हिमाचल में तो हम देख रहे हैं गाँव में ही लोग रहते हैं ज्यादा, क्या लोग क्या कहते हैं? लोग भी यही कह रहे हैं, मतलब चेंजिंग तो जरूरी है, चेंजिंग होनी चाहिए, और कुछ बहुत जरूरी है। चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम आदिल है जी। अच्छा, कितने साल से काम कर रहे हैं? सर बूढ़े हो गए हम तो, यही पे, इन्हीं पेड़ों के नीचे। कोई बाजार समस्या ही है जी, कोई नहीं तो, कोई बाजार नहीं बनाते ढंग से, रेड़ी फड़ी वालों को कहीं अच्छी जगह, बस स्टैंड के नेड़े काम होगा, यहाँ बाजार कोई नहीं बनाते हैं जी, ये दुकानें हैं यहाँ, लोकल काम है, बाहर के ज़्यादा हैं, लोकलों को कोई दुकानें नहीं है इधर। तो लोकल आदमी क्या करेगा? लोकल फड़ियाँ लगा रहे हैं, कभी यहाँ से उठाते हैं, कभी उधर से उठाते हैं, कभी उधर से उठाते हैं। मौसम खराब हो जाए तो
मौसम खराब होगा तो सामान खराब होगा, बंद होगा, और क्या करना, घर को जाएंगे। सरकार तो बोलती है सब कुछ ठीक कर देंगे। सरकार को 30 साल हो गए हमारे को आइडेंटिटी कार्ड बने हुए, बना देंगे, कोई कुछ नहीं है। कांग्रेस के विधायक भी तो थे यहाँ पर, बंबर ठाकुर जी, पहले उनको कहाँ 5 साल, उन्होंने थोड़ा यहाँ रेड़ियाँ लगती थी, ये फुटपाथ बनाया उन्होंने, कुछ दुकान उन्होंने बिल्डिंग के ऊपर जहाँ जगह थी उसने बनाए बूथ, पर वहाँ काम नहीं चलता है। अच्छा, वोट का क्या करेंगे इस बार, कैसे वोट आदमी को डालेंगे जी हम? अच्छा, जो गरीब आदमी आम आदमी को डालेंगे। यहाँ से कौन है आम आदमी? अभी आ रहे हैं जी। अच्छा, आम आदमी आपने बोला, यहाँ तो दो ही दल हमने सुना कि कांग्रेस और देखते हो, हमारा 50 साल हो गए सामने। अच्छा, इस बार क्या है चुनावों का माहौल जो है वो क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्या बनेगी सरकार, किसकी बनेगी, विधायक कौन बनेगा? इस बार सर कुछ नहीं बोल सकते, बराबर की टक्कर है इस बार। पहला है बंबर ठाकुर जी को भी इनका टिकट मिल चुका है, उनका भी यहाँ पे 11 में तो उनका ज्यादा वो है, अब देखते हैं किसी का किसको नहीं बोल सकते। तो भला करेगा उसी को टिकट, उसी को जाएंगे जी, वो तो है, वोट भी उसी को, वोट भी उसी को मिलेगा सर। तो इस बार क्या लग रहा है, सुभाष जी है यहाँ से बोलते बड़े शरीफ आदमी? हाँ है तो शरीफ है, ऐसा तो है नहीं, पर अब कुछ नहीं है, जब तब से एक बार भी दिखाए नहीं है, अभी देखा हुआ था अभी पीछे जैसे, उसके बाद नहीं, हमने तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया हमने पिछली बार जब उनको, पर अब नहीं, अब इस बार तो सरकार चेंज हो जाएगी। हाँ जी, कोशिश तो पूरी रखेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए, चलिए आगे चलते हैं, इधर देखते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं, देखने की बात करने की कोशिश करते हैं, लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या लोग यहाँ पर चाहते हैं। अपना नाम बताइए भाई। हाँ जी, क्या नाम है? प्रदीप कुमार। विधायक जी आते हैं कभी यहाँ पे? तो सुभाष जी तो मैं तो लोकली हूँ यहाँ का, पर कभी कम ही देखा उनको, उनका ऐसा ही है। काम कुम कैसा करते हैं? तो क्या बताएं, हमारे इलाके में तो थोड़ा बहुत हुआ है। आपके इलाके में क्या क्या दिक्कत है, कहाँ से यहाँ पर? मैं कंदरौर से ऊपर हवान। अच्छा, हवान। कैसा काम किया? एक दो सड़कों का काम हुआ, स्कूल का काम भी हुआ थोड़ा, और बाकी तो ऐसे ढीला ही है। तो इस बार चुनावों में जाएंगे मुद्दे लेके? तो जाना तो पड़ना ही है, वोट देंगे इस बार। हाँ हाँ, यहाँ पे कौन कौन सी पार्टियाँ लग रही हैं? आम आदमी पार्टी का है कुछ? आम आदमी पार्टी भी है, यहाँ तीन पार्टियाँ हैं, एक और तीन चार पार्टियाँ हैं। अच्छा। तो अभी मुश्किल है, क्या बोले किसी के पास, पर कोई नहीं, आम आदमी पार्टी क्या कर सकती है, कुछ ना कुछ। कांग्रेस भी कर सकती है, बीजेपी तो बड़ा मुश्किल। इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर, अलग अलग बातें लोग यहाँ पर ज़रूर कर रहे हैं, और हम भी कोशिश कर रहे हैं इसी बात को लेकर कि विधानसभा की पड़ताल जो है वो ठीक से की जाए और देखा जाए क्या है यहाँ पर और किस तरह से परिस्थितियाँ यहाँ पर हैं। आप ज़रा इस तरफ की तस्वीरें देखें, अगर ये तस्वीरें आप देख पाएं, ये यहाँ पर खुले में कूड़ा जो है वो यहाँ पर गिरा है, लोगों की आवाजाही यहीं से ये जो है वो आवाजाही होती है, और इस तरह से पशु जो हैं वो खुले यहाँ पर घूम रहे हैं और इसी कूड़े में से जो है, अब देखिए किसी तरह की अनहोनी हो जाती है, कई बार जो है वो इसी तरह से जानवर जो है वो कोई पॉलिथीन यहाँ पर कर लें, देखिए पॉलिथीन फ्री स्टेट हिमाचल प्रदेश है, लेकिन पॉलिथीन का अंबार आप यहाँ पर देखें, और ये बिल्कुल बिल्कुल साफ रास्ता है, आप यहाँ से देखें, एक तरफ से बसेस जो है वो यहाँ से बाहर निकलती हैं और दूसरी तरफ से यहाँ से बाहर जाए। एक भाई साहब मेरे साथ हैं यहाँ पर, सर नमस्ते सर, क्या हाल है सर? ठीक है सर। क्या करते हैं आप? मैं तो रिटायर है चाटी से। हाँ जी, क्या नाम है आप? मेरा ठाकुर रामलाल। हाँ जी ठाकुर साहब, क्या है यहाँ की समस्याएं, क्या है शहर की? ये तो एक तो सफाई नहीं है, सफाई का देखो बुरा हाल है, और अबारा गए बैल है ना, इनका बहुत बुरा हाल है, डर भी लगता हो, मार रहे हैं लोगों को। हाँ जी हाँ जी, क्या सरकार कभी करती नहीं वो इनके लिए, तो कोई सोच नहीं रहा। हाँ जी, देखिए ऐसी अनदेखी अनदेखी है, और इनको वो बीमारी होगी, जगह जगह लंबे पड़े हैं। हाँ जी, लंपी वायरस गाँव में भी आया है? गाँव में भी आ गया जी। हाँ जी हाँ जी, क्या कर रहे हैं लोग, कैसे बच रहे हैं? लोग कर रहे हैं कुछ, दवाइयाँ भी दे रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वैक्सीन कर रहे हैं, वैक्सीनेशन का काम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उन जानवरों को भी अलग कर रहे हैं? हाँ थोड़ा अलग रख रहे हैं उनसे, ज़्यादातर गायों को हो रहा है, बाकी जानवर को नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे लोगों की और समस्याएं क्या रहती हैं, पानी बिजली कुछ है, मतलब सड़क सुड़क की कुछ? सड़कों कई समस्याएं हैं, कहीं सड़क की कहीं बिजली की, आजकल पार्टी के काम चले हैं। हाँ जी हाँ जी, इस बार क्या है लोगों का मूड, क्या है, क्या कहते हैं लोग? सदर से तो इससे रुष्ट है सुभाष से। क्यों, ऐसा क्यों? मैक्सिमम सुभाष लोगों से टच नहीं रहा। हाँ जी, अब बंबर का ही है, बंबर को लोग मान रहे हैं। एक जरा सी उम्र में एक बड़ा सा फैसला,
मौत बेहतर जिंदगी से आजादी गर हो सिला। 19-20 साल की छोटी सी उम्र और एक नौजवान शहादत का जाम पीने को बेचैन। वो मानता था कि खौफ आजादी की सबसे बड़ी जंजीर है। वो जानता था कि जीने के लिए मरना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जलियांवाला बाग में बहा लहू हर हिंदुस्तानी के दिल से रिस रहा था। 12 साल के एक बच्चे ने खून से लथपथ मिट्टी की सौगंध उठाई कि उसका वजूद अब सिर्फ वतन के लिए है। 28 सितंबर 1907 को अविभाजित पंजाब में जन्मे भगत सिंह का सपना संपूर्ण आजादी का था। आजादी अंग्रेजी साम्राज्य से, हर उस सिस्टम से जिसमें कमजोरों का शोषण होता हो। कम उम्र में ही किताबें उनकी दोस्त बनी और क्रांतिकारी विचारधाराओं ने समझाया कि आजादी मांग कर नहीं छीन कर हासिल करनी होगी। इनकलाब जिंदाबाद। उनके बेखौफ अंदाज ने पूरे भारत में आजादी की नई लहर पैदा कर दी। इनकलाब जिंदाबाद। घबराई अंग्रेजी हुकूमत ने इस आवाज को खामोश करने का फैसला किया। सजा फांसी की सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को बेखौफ मुस्कुराते हुए भगत सिंह ने फांसी के तख्ते को चूम लिया। वो जानते थे कि मौत जिस्म को आती है, विचारों को नहीं। सवाल यह है कि क्या हमें उनके विचार याद हैं? शहीद आजम भगत सिंह के विचार हमारी राह की मशाल हैं। हमारा प्रयास है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को भी समान अधिकार, समान सुविधाएं प्राप्त हों। इनकलाब जिंदाबाद। बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो हम इस समय जो बिलासपुर सदर का ये बस स्टैंड है, आप बस स्टैंड देखें, आप किस तरह से लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं, और चारों ओर क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ जो है वो इसी इलाके में यहाँ पर देखी जाती है। हर जगह को बस जो है वो यहाँ से जाती है, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्या लोगों की यहाँ पर समस्याएं हैं। इस बस पे जरा चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या समस्याएं यहाँ पर लोगों की होती हैं। गाँव से लोग जो है ज्यादातर यहाँ पर ट्रेवल कर रहे हैं इस बस में। भाई साहब क्या नाम है आपका? विशाल ठाकुर। क्या करते हैं? सर मैं तो जॉब करता हूँ। कहाँ पे? बद्दी। अच्छा, क्या प्रॉब्लम्स हैं यहाँ? प्रॉब्लम्स यही है कि बस है। क्या नाम है मैडम आपका? रोशनी। कहाँ से आए हैं? चिड़ोर से। क्या उधर ठीक है सब आपके गांव? हाँ जी ठीक है। पानी पानी वगैरह? हाँ जी। सड़कें सुड़कें कैसे? ठीक ही आई है। हर घर कच्चा रोड गया, उपराजो से एड़े ही आए रोड। हाँ जी। ठीक नहीं कराया? ना ठीक नहीं कराया जी। विधायक का जुगला है? नहीं। हाँ बोलते आए थे ना, पर से कहती पाऊँ सुनवाई। तो फिर इस बार वोट किसको देना? किसको देना नहीं है, भी नहीं देना। चलिए बात करते हैं, इस बस में बहुत से लोग हैं। क्या विधानसभा की पड़ताल हम यहाँ पर कर रहे हैं। बाबूजी नमस्ते। क्या नाम है आपका? राम प्यारा। अच्छा, क्या देख रहे हैं आप, क्या समस्याएं हैं लोगों की? हुई कुछ समस्याएं कम हुई पिछले 5 साल में? जो कुछ हुई आप नाम 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 बताइए। मेरा नाम बिमला है। बहुत अच्छे काम हुए हमारे मोदी के बारे में। कहाँ, यहाँ कहाँ से हैं आप? आप बिलासपुर से है? आप बिलासपुर के ये बेटा है तो हमारे गांव से ना, घर भरे पर बिलासपुर पड़ता है सदर। आपके गांव में ठीक है सब? बिल्कुल ठीक है। बीमारी हो रही है, बीमार तो चल रही है, क्या करिए देते। पशुओं को बीमारी हो गई? हाँ हाँ बेटा हुई, उसको टीके टाके लग रहे हैं। अच्छा, इस बार क्या है, विधायक जी कौन बनेंगे? हमारा मोदी राम ही, मुझे तो ठीक लगूंगा। मैं देखो मेरी बात सुन, को पुत नहीं पालनी, धीओ नहीं पालनी, जनता ही पालनी, और इससे आगे और कौन चाहिए? अरे से तीसरे और पालने से दुनिया चोर आउड़ी, ये देखना ना। जयराम जी कैसा काम करते हैं? मारा जयराम बहुत अच्छे काम, मारा नड्डा राम, मारा वो दूजा, उसका मुझे ना भूलिएगा। मैं सारे को जान दी है, मारे सारे स्टेट दे है। मेरे साथ बात करो, इनके साथ क्या बात करनी। मैं रोज देखती हूँ इनकी न्यूज, रोज पढ़ती है, रोज देखती है। बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। कुछ और भी हैं यहाँ पे, कुछ लोग, कुछ यूथ भी मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अपना नाम? मेरा नाम ज्योति ठाकुर है। क्या करते हो जो? मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अच्छा, क्या सोचा है, क्या बनेंगे आगे? आगे तो सिविल सर्विस के बारे में सोचा है। यहाँ की क्या प्रॉब्लम्स है?
प्रॉब्लम फिलहाल तो यहाँ पे देखा कुछ आवारा जानवर जो है वो सड़कों पे घूम रहे, डर लगता है? डर तो नहीं लगता, लेकिन उनकी सिचुएशन देख के थोड़ा अजीब लगता है कि क्योंकि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि ऐसी उनकी मतलब सिचुएशन उनकी बहुत ही ख़राब है, वैसे आजकल तो बहुत बीमारी भी चली हुई है, पी वायरस। हाँ जी वो। अच्छा यूथ क्या चाहता है यहाँ पे, क्या होना चाहिए बिलासपुर सदर? बिलासपुर सदर में तो बस डेवलपमेंट होनी चाहिए जी। आइए दूसरी तरफ कुछ चलते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक एक आदमी को यहाँ पर जानना देखना जरूरी है कि यहाँ पे क्या चल रहा है बिलासपुर सदर में, लोग क्या कहते हैं, क्या लोगों की राय है, ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। भाई अपना नाम बता दो। Yes, my name तरुण। तरुण। अच्छा तरुण कहाँ से हो? मंडी। मंडी से। हाँ जी। यहाँ क्या कर रहे हो? अकेडमी। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। क्या है यहाँ पे और कुछ यूथ वगैरह क्या सोचता है? यूथ की जॉब सी मतलब मिल नहीं रहे, मतलब बंदे का आजकल जितने भी है सारे बेरोजगार है, मतलब काफी स्ट्रगल हो रहा है मतलब जॉब के लिए। सरकार क्यों नहीं कुछ कर? सरकार को क्या बोले, वो सरकार की अपनी है। इस बार सरकार किसकी बनेगी? इस बार तो कांग्रेस की आएगी। बहुत बढ़िया, चलिए बात करने की कोशिश करते हैं, आगे भी देखते हैं, आगे चलते हैं, एक चक्कर लगाते हैं यहाँ पे देखते हैं। नमस्ते जी, क्या नाम है आप? जगदीश। कहाँ से हैं जगदीश? सल्लू से। अच्छा जयराम जी कैसा काम कर रहे हैं? जयराम जी कैसा काम कर रहे हैं? ठीक ही कर रहा है, क्या बोले भाई को इसकी वो करनी नहीं, ऐसे ही चलो ठीक। अच्छा प्रॉब्लम्स कुछ कम हुई पिछले 5 साल में? प्रॉब्लम तो हाँ कुछ तो कम है, हो रही है कम। इस बार सुभाष ठाकुर जी को जिताएंगे दोबारा? नहीं। अच्छा नड्डा जी कैसा काम करके? एक भी पैसे का नहीं है वो। यस कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं करता हूँ। बात कह रहे हैं कहना क्यों नहीं कहना, जब है कुछ नहीं है नहीं करेंगे उसको, भले कांग्रेस को कर लेंगे उसको नहीं करेंगे, ये नहीं देंगे वोट। अच्छा यूथ क्या कर रहा है यहाँ पे, अगर एजुकेशन मिल जाती है सब कुछ हो जाता है फिर क्या नौकरी? नौकरी कहाँ है, कुछ नहीं है नौकरी ऐसे ही। बेरोजगार है? बेरोजगारी ज्यादा है, नौकरी है कम सम दे कर देना है कम समय, चलो ठीक है जो भी है। विधानसभा की पड़ताल में हम बिलासपुर सदर कवर कर रहे हैं और अब हम पहुंच चुके हैं गांधी मार्केट में, ये सबसे व्यस्ततम बाजार है। एक बार पहले आप तस्वीरें देखें, खरीदारी जो है वो लोग यहां से करते हैं, क्या गांव क्या पंचायत हर जगह का आदमी जो है वो यहां पर पहुंचते हैं, यहां पर खरीदारी यहां पर करते हैं और यहीं पर जो है राजनीति भी डिस्कस होती है। कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा लोग यहीं पर आते हैं और यहां पर एक कोई बुजुर्ग मेरे साथ हैं, यहां पर बात करने की कोशिश करते हैं। सर नमस्ते, अपना नाम बताइए। रोशन लाल जी। कितने साल से हैं आप यहाँ से? मैं मारा कर रही यहाँ पे बिलासपुर। क्या समस्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम तो चलो कई प्रॉब्लम अभी हाइये भी है, कुछ हाइये भी नहीं है, एडा कुछ काम हुए भी करूँगे कुछ होने लग रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत माड़ा मोटा फर्क थे आगे सरकार ने सब कुछ लगे हुए काम थे कर रहे काम। पिछले 5 साल में हुआ कुछ प्रॉब्लम्स खत्म हुई? बड़ा अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई। इस बार जो है बीजेपी का विधायक बनेगा कि कांग्रेस का? ये तो पता नहीं है, जब वोट पड़ेंगे और निकलेगा रिजल्ट तभी पता चलेगा। चुनावों में क्या मुद्दे रहेंगे लोगों के, क्या सोच के लोग, कैसा नेता कैसा होना चाहिए? नेता ऐसा होना चाहिए कोई भी हो, कांग्रेस हो बीजेपी हो, काम करने वाला होना चाहिए। अगर काम ही नहीं करो तो वो चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, हमें तो काम से मतलब है। वोट तो देंगे तब देंगे जब वो काम कराएंगे, पहले तो बोलते हैं हम काम कराएंगे, बाद में कोई नहीं कराता। जीत जाते तब नहीं तभी कोई आए नहीं हमारे धार में विधायक तो आए नहीं। तो इस बार लोग जो है वो क्या चाह रहे? पता नहीं अभी तो कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, अभी तो क्या बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। तो चलते आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं कुछ और लोगों को ढूंढते हैं, क्या यहाँ पर जो है वो लोगों की समस्याएं हैं। एक और दुकानदार जो है वो यहाँ पर फ्री बैठे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि विधानसभा की पड़ताल है, यहाँ पर लोगों की समस्याओं के ऊपर बात की जा रही है। भाई साहब क्या नाम है आपका? शकील अहमद। अच्छा शकील जी कितने साल से कर रहे हैं? मेरे को 18 साल हो गए। कैसा है कामकाज, कैसा है? काम पहले से ठीक है, पहले तो काफ़ी मंदा भी हो गया था बट अब ठीक है, जैसे जैसे नवरात्रे आए हैं तो अब ठीक है। बाजार की क्या प्रॉब्लम्स है? बाजार की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे महंगाई कम होगी तभी लोग ले पाएंगे, अब खाने पे भी लगा रहे हैं GST वगैरह मैंने सुना है,
अभी पीछे जैसे पता भी लगा था हमें थोड़ा, हाँ दूध वगैरह पे सब पे GST, फूड आइटम्स पे सारे। तो जब तक ये चीज़ें नहीं हटेंगी, और दूसरी बात ये कि जैसे अभी क्या है कि कुछ सांप्रदायिकता वाली भी बात हो रही है, उजागर कर रहे हैं उसको, उससे बेटर है कि अपने इस पर ध्यान दें पे महंगाई को कैसे कम करना है, ठीक है, तब है कहीं पे कोई होप हमें लगेगा कि कुछ होगा। बाकी तो अभी सरकार में तो कुछ खूबियाँ अच्छी भी है, ऐसा नहीं है कि बुरा भी है, कुछ अच्छा भी है, जैसे इन्होंने बहुत सारी स्कीम्स निकाली।